हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओके। तुमने अपने पेपर्स का करेक्शन कर लिया ना? हाँ, मैंने तो कर लिया। आपने? नहीं, मेरी पूरी एक सेक्शन का बाकी है। बस ये पिकनिक खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद करना है। कितना अच्छा लग रहा है ना इन लोगों को देख के। हाँ, और कितनी ग्रीनरी है। पिकनिक पर आकर बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। हाँ, अभी अभी एग्जाम खत्म हुआ है ना, इस आउटिंग के बाद बच्चे काफी फ्रेश फील करेंगे। वो तो है। कांता, कांता तुम सब बच्चों का ध्यान रखना और देखना कोई भी ज्यादा दूर नहीं जाने पाए। ओके, कितना अच्छा लग रहा है इन लोगों को। आइए हम भी वहाँ चलते हैं। मेरी मम्मी गोज बैटिंग नहीं करते हैं। क्यों? मैं क्यों नहीं खेल सकती? मैं खेलूंगी। मम्मी तो धीरे बैटिंग करो यार, देखो बॉल चली भी गई उधर। क्यों? अभी तो बोल रहे थे कि गर्ल्स अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकती। अब क्या हुआ? जा बॉल लेके आओ। तुम तो बहुत अच्छी प्लेयर हो रिम्मी। हाँ यार, सीधे सिक्स मार दिया। अब देखना हर बॉल पे सिक्स ही मारूंगी। सब बच्चे आ जाओ, अब हम सब नाश्ता करेंगे। ओके कांता, उन बच्चों को भी यहाँ लेके आ जाओ, नाश्ता करेंगे सब लोग। अच्छा आकाश, ये नाश्ता खत्म करके ना इधर ही आसपास कहीं खेलना, ठीक है? ज्यादा दूर नहीं जाना। ओके, ठीक है मम्मी। लेकिन क्रिकेट खेल रहा हूँ, थोड़ा दूर तो जाना पड़ेगा ना। नॉटी बॉय। ठीक है, पर ज्यादा दूर नहीं। ओके आकाश, चल खेलते। अरे अरे आकाश, फ्रूट्स तो खा के जाओ। अरे मम्मी, बाद में आके खाता हूँ, प्लीज। बाय मम्मा। बॉल को जोर से हिट मत करना, देखो ना अब मम्मी से बॉल कोई नहीं लाने वाला है ना, है ना? फील्डर्स को हमेशा बॉल लाना होता है, बैट्समैन को नहीं। नहीं तुम इतना हजार बार मारोगी तो कितने बार लोग लाएंगे? जाओ लेकर आओ, है ना? हम लोग नहीं लाएंगे अभी, जाओ। ठीक है, अब मैं ही बॉल लेके आती हूँ। मुझे भी यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आसपास बहुत जंगल है और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे लगता है अंधेरा होने से पहले हम लोग को निकल लेना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रही हैं। राजेश सर। हाँ मैम। सर, हमें वापस चलने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ, काफी टाइम हो गया, चलिए तैयारी करते हैं। तो ठीक है, मैं वहाँ से बच्चों को बुला के लाती हूँ। मैं देखता हूँ।
बाल में गया। अरे तुम मेरे यहाँ पे क्यों? मैंने शॉट मारा था ना, तो मैं ही लेके आती। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें अकेले कैसे आने देते? थैंक यू, चलो खेलने जाते। चल। हेलो, ये देखिए खून। खून? ये तो एकदम ताजा है। कहीं ये खून बच्चों का तो नहीं है? सर,
सर आई कार्ड। जीतू सर ये तो हमारे स्टूडेंट है। जीतू इसका मतलब है बच्चों पर हमला हुआ है। हमारे बच्चे। चलो जीतू रिंदी जीतू 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 आकाश आकाश ओ माय गॉड टाइगर ने हमला किया इस पे। पता नहीं बच्चे कैसे होंगे इनके पेरेंट्स को हम क्या जवाब देंगे। आकाश ये देखिए पंजों का निशान। लेकिन ये टाइगर यहां आया कैसे? कोई नहीं करेगा। तुम लोग अपनी स्टिक साथ में ले लो। कोई गोली नहीं चलाएगा। शेर को कोई नहीं मारेगा। टाइगर के पीछे क्यों जा रहा है? ए, ए, रुक जा उधर। सर जी टाइगर तो हमारी तरफ आ रहा है। उसे बचाया सर शायद ये आदमी हमला करवा रहा है टाइगर से। हाँ सर हो सकता है ये नेचुरल टाइगर अटैक नहीं है। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। हेलो सर Thank you.
सर आपको मालूम था यहाँ पे टाइगर है, फिर भी आपने इन लोगों को परमिशन कैसे दे दी पिकनिक की? एक्चुअली सर हमें भी मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे टाइगर है। आप यहाँ के एरिया इंचार्ज है ना, आपको कैसे नहीं पता था? देखिए यहाँ पे टाइगर होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि टाइगर जोन नहीं है। अरे फिर टाइगर यहाँ पे आया कैसे? सर आप प्लीज जल्दी कीजिए ना, वो तीनों बच्चे जंगल में और टाइगर उनके साथ, पता नहीं। शांत हो जाइए मैडम, हम देखते हैं। कैसे शांत हो जाओ सर, मेरा बेटा आकाश भी उन बच्चों के साथ है और वो जंगल में। देखिए मैडम हम जंगल ही जा रहे हैं, हम बच्चों का पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप बच्चों को लेके जाइए और उनको उनके घर भेज दीजिए। और जैसे हमें तीनों बच्चों के बारे में पता चल जाएगा हम आपको खबर कर देंगे। लेकिन सर बच्चों को लिए बगैर हम लोग कैसे? देखिए अभी तक तीन बच्चे गायब हुए, अगर टाइगर यहाँ पे आ गया तो आप लोग क्या करेंगे? प्लीज आप लोग जाइए, हम लोग संभाल लेंगे। देखिए सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा बेटा वहाँ जंगल में है सर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगी सर, प्लीज। नहीं नहीं मैडम आप जंगल में नहीं जा सकती, वहाँ बहुत रिस्क है सर। प्लीज मेरा बच्चा वहाँ टाइगर के साथ, पता नहीं टाइगर उसके साथ क्या कर दे। ठीक है, इसके बारे में पता चला कौन है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तो नहीं है सर, शायद कोई बाहर वाला लगता है। वो तो टाइगर के पंजों का ही लगता है। करण पंकज आईडी चेक करो, देखो कौन है आदमी। आप तो कह रहे थे ये टाइगर जोन नहीं है, फिर भी टाइगर यहाँ पे आया और इस आदमी पे हमला भी किया। सर मुझे लगता है कि टाइगर यहाँ खुद नहीं आया होगा, उसे जरूर यहाँ लाया गया। कौन लाएगा? एक आदमी था वही। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर टाइगर बीच में आ गया और उसे बचा ले गया। सर ये देखिए टाइगर के पंजों के निशान। टाइगर उस आदमी के साथ जा रहा था तो उस तरफ भी टाइगर के पंजों के निशान होंगे ना? देखिए सर ये है टाइगर का अगला पंजा और ये है पिछला। सर काफी बड़ा टाइगर लगता है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब भी नाप देता हूं। अरे बाप रे सर 9 फीट का टाइगर है। 9 फीट ऑफिसर। सर इन पंजों के निशान भी चाहिए मुझे। ये हम अच्छा नहीं कर रहे, तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाना चाहिए। तेरा दिमाग घूम गया क्या? तू देख ना सीआईडी जंगल में आ गई है। तो क्या हुआ? क्या हुआ 2000 सवाल पूछा ही वो। टाइगर कहाँ था, कितना बड़ा था, किधर गया, कैसा था, तू कौन है, तेरा बाप कौन है, तू यहाँ क्यों आया, कब आया, कैसे आया, एड्रेस क्या है तेरा? जवाब है तेरे पास? नहीं है ना, तो चल निकल। और अपना जो दोस्त मर गया उसकी माँ को क्या जवाब देगा तू? क्या जवाब दूंगा रे, क्या जवाब दूंगा? अरे यार टाइगर आएगा तो कोई भी भागेगा ना, जान सबको प्यारी होती है। कैसे सर पे पैर रख के भागा था, तब दोस्त याद नहीं है? दोस्त की बात कर रहा है, जल्दी कर, टाइगर आ गया ना हमें भी मार देगा। बस टाइगर ने पंजा मारा और ये आदमी चल बसा। ये घाव काफी गहरा है, यहां से मांस भी नोच लिया है। डॉक्टर साहब टाइगर ने खाया है तो ये तो होना ही था। हाँ ये तो होना था, लेकिन ये घाव हमें ये बताते हैं ये जो टाइगर है बस वो टाइगर मैन ईटर है, नरभक्षी, आदमखोर बाघ। आदमखोर बाघ? तो फिर इस बाघ ने इसे पूरा क्यों नहीं खाया? पूरी तरह क्यों नहीं खाया इस बात का पता लगाने के लिए थोड़ा वक्त और लगेगा। सर पंजों की रिपोर्ट्स रेडी हैं। क्या पता चला? सर जो पंजों के निशान आप लोग लाए थे वो दो अलग अलग टाइगर्स के हैं। क्या मतलब
दो अलग अलग बाघ? हाँ सर, और जिस टाइगर ने इस आदमी को मारा है उसका पंजा थोड़ा सिकुड़ा हुआ सर, और उसका एक नाखून भी गायब है, ये देखिए। ये टाइगर बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि आमतौर पर यंग टाइगर्स के दांत और नाखून टूटते नहीं है। दो अलग अलग बाघ और बच्चे जंगल में गायब है। दो अलग अलग बाघ, उनमें से एक बाघ आदमखोर। सर, जंगल के एक एरिया में दो टाइगर नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा हुआ है ऑफिसर, फॉरेंसिक की रिपोर्ट साबित करती है कि दो दो टाइगर है। सर, अब हमें लौट चलना चाहिए सर। क्यों? सर, अंधेरा बहुत हो चुका है और रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा सर। जब तक बच्चे नहीं मिलेंगे हम लोग जंगल से नहीं जाएंगे। मगर सर, रात को यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा सर। हमें कोई खतरा नहीं ऑफिसर, जब तक बच्चे जंगल में हम भी यहीं रुकेंगे। कोई भी टाइगर तीन तीन बच्चों को लेकर नहीं जा सकता, कुछ और ही चक्कर है। सर, सुबह के 4 बज रहे, 8 घंटे से पेड़ पे बैठे, अभी तक कोई भी नहीं आया। यार पंकज, मच्छर बहुत काट रहे मेरे को। सिर्फ आपको नहीं काट रहे, हम सबको काट रहे सर, और हम उनकी जगह पे बैठे तो काटेंगे ना। आवाज मत कीजिए सर, टाइगर आवाज सुनेगा तो वापस चला जाएगा। टाइगर आ गया सर। फ्रेडी सर, आपको पता है टाइगर पेड़ पे आराम से चल सकता है। अबे पंकज, कभी तो अच्छी बातें किया कर। अच्छी नहीं, सच्ची बातें कर रहा हूँ सर। मैं यहाँ पे आने से पहले इंटरनेट पे वेबसाइट पे देख कर आया था। अच्छा, चुप रहो। सर, टाइगर आ गया सर। We'll be right back.
आ रहा है। नहीं, ये दो पैरों की आहट है। सर ये शेर भड़क गया सर। ये भी तूने इंटरनेट में सर्च किया क्या? ये वही आदमी। कहीं होगा, ढूंढो उसको। रुक। कहाँ भाग रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। आ जाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। बस फड़फड़ाना बंद कर। मुझे जाना है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो नहीं है। देखो प्लीज हमारे बच्चे लौटा दो। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, हमें हमारे बच्चे लौटा दो प्लीज। छोड़ दो वरना वो आ जाएगा। देखो फिर मुझे मत कहना। ए धमकी दे रहे हैं हमें, कौन आ जाएगा? टाइगर यहाँ पे सर। टाइगर बुलाएगा? बुला। मजाक कर रहा है हाँ? टाइगर को बुला रहा है? बुला बोलूं? मैं बुलाऊं? हाँ? ले चलो इसे। चल, छोड़ दो मुझे, वो आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। बैठो, जल्दी करो। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे पता नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें सब पता है, तुमने ही टाइगर से उस आदमी पे हमला करवाया है। मैंने हमला नहीं करवाया था। मैं जानवरों से प्यार करता हूँ और उन्हें भी प्यार सिखाता हूँ। अच्छा, इसलिए टाइगर को साथ लेकर घूमते हो? कहाँ से लाई है टाइगर? टाइगर वो 10 साल पहले मिला था, जो छोटा सा बच्चा था, तब से वो मेरे साथ है। कौन हो तुम है? नाम क्या है तुम्हारा? नाम श्याम।
श्याम है मेरा नाम शायद। तुम्हारा नाम श्याम है? एक्स ऑफिसर? हाँ शायद। क्या बात है ऑफिसर? सर इसका नाम श्याम है, एक्स फॉरेस्ट ऑफिसर। इसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, बाद में कहीं चला गया था, उसके बाद अब दिखा है। देखो श्याम, बच्चों की जिंदगी का सवाल है, तुमको जो कुछ भी मालूम है प्लीज बता दो। बच्चे कहां हैं? एक बार नहीं, सौ बार बोलूंगा, मैंने बच्चों को नहीं देखा। दो टाइगर है यहां पे, दूसरा टाइगर भी तुम्हारा है? नहीं, मगर मेरा टाइगर तब तक किसी पर हमला नहीं करता जब तक उसे कोई परेशान न करे। कोई टाइगर को परेशान करने आता है यहाँ? हाँ हाँ, तीन लोग हैं। कौन है वो तीन लोग? वो लोग जंगल में गन चलाते हैं। तुम पहचानते हो उन्हें? नहीं, मुझे मैंने देखा, वो भाग रहे थे तो उनकी गन गिर गई। सर सर सर, उन बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा सर? उन लोगों के पास गन्स है सर। प्लीज प्लीज सर, प्लीज आप मुझे मेरे बच्चों के पास ले जाइए, मुझे मेरे बच्चों के पास ले जाइए सर, बच्चों के पास ले जाइए, बच्चों के, बच्चों। मैडम मैडम मैडम, बेहोश हो गई लगता थकान के मारे। पूर्वी तुम इनके साथ रुको, तब तक हम लोग गन को ढूंढते हैं, उन तीन लोगों को भी। कहाँ देखी थी तुमने गन? किसी शिकारी की गन लगती है। आसपास चेक करो जरा। देखिए वो मेरा बच्चा आ गया, मेरा टाइगर आ गया, वो देखो।
जाल बिछा के रखा है जानवरों को पकड़ने के लिए। टाइगर का शिकार, मैंने पहले ही कहा था ये लोग जंगल और जानवरों के दोस्त नहीं है, दुश्मन है दुश्मन। मैं तो जंगल का दोस्त हूं। सर, हमें जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ना होगा, जंगल को उन लोगों से खतरा है। मैं जाऊं अब। देखो मेरा बच्चा, मेरा टाइगर मुझे ढूंढते ढूंढते यहां आ गया। जाओ ठीक है सर, जा। पूरा दिन निकल गया है सर, बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। कहीं उन बच्चों को कुछ खुश नहीं होगा, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जाने से पहले इनका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, वरना ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो टेंशन मत ले, मैंने इनके बारे में कुछ सोचा है। जिद्दा आकाश, जीतू आकाश, रिमी, जीतू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा हूँ? दिख नहीं रहा। क्या हो सर, क्या है यहाँ? जानवर को पकड़ने के लिए किसी ने ट्रैप लगाया है। जानवरों को छोड़ो ऑफिसर, ये देखो बच्चों के जूतों के निशान, शिकारियों ने बच्चों को यहाँ पे वापस उतारा है। सर कहीं बच्चे अंदर तो नहीं है? वही होगा, निकालो इसे। पर निकालो इसे। माय गॉड, बच्चों, आकाश, जीतू, थैंक गॉड, सिर्फ बेहोश है। आकाश, आकाश उठो बेटा। नहीं बेटा। आकाश, क्या हो गया इसे? बेटा, बेटा, उठ जा, जल्दी से घर जाना। हाँ? जीतू उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। बेटा उठो बेटा। आकाश उठो बेटा, उठो। रिमी, रिमी बेटा उठो। रिमी, आकाश, पूर्वी, सर इन्हें भी होश आ गया। आकाश, आकाश, अच्छा ये बताओ कि तुम कौन ले गए थे तुम लोग? अंकल, बैड अंकल। बैड अंकल? कौन बैड अंकल? अंकल, अंकल प्लीज उसे बचा लो, अंकल प्लीज। बेटा किसे बचा ले? वो टाइगर को।
वो लोग उसे ले गए, मार देंगे उसे। चिंता मत करो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। गाड़ी क्यों रोकी? सामने देख। क्या बात है, एक पे एक फ्री। ले चलते हैं इसको भी अपने साथ। पकड़ लो सबको। ए, चल। जैसे ही हम लोगों ने टाइगर को पकड़कर फोन पर उनकी उनकी खाल की तस्करी की डील कर रहे थे, तब बच्चों ने देख लिया था। इसलिए हमने उन बच्चों को पकड़ के खड्डे में छोड़ दिया ताकि उनका दम घुट जाए और टाइगर को लेकर चले आए। तुम लोग ना तो इंसान हो और ना ही जानवर। बच्चों पे तो जानवर भी रहम करता है। चलो बोलो उस टाइगर को। अरे टाइगर कहाँ गया? Thank you.
इंसान और जानवर दुश्मन नहीं, दोस्त है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.